कराची की मुकामी गैलरी में कोमल शाहिद खान की पहली सोलो एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोमल शाहिद खान ने रोज न्यूज को तफसीलात बताते हुए कहा, ड्रीम नैरेटिव्स में पेंट इसमें पर्टिकुलरली मैंने किए हैं, थिंग्स जो मैंने इमेजिन किए हैं, कैरेक्टर्स हैं जो कि एक स्टोरी प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें रियलिटी बेस्ड हैं और उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटी की डिपिक्शन है जो कि हिडन भी है और कहीं वो रिवील हो रही है, कहीं वो कंसील्ड है। और मेरी ऑब्सेशन है कि जैसे धुएं में रिंग्स नज़र आते हैं और उसमें फॉर्म्स बनती हैं, अगर ब्रश को हम एक ट्रांसपेरेंट पानी में डिप करते हैं तो वो मूव होता है, तो उस सारी मूवमेंट से मेरी इंस्पिरेशन आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इमेजिनेशन इज़ इट्स नेवर एंडिंग, इट्स ऑलवेज मूविंग। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। आर्ट सीन में ये कोमल जो कि इस्लामाबाद बेस्ड आर्टिस्ट हैं और उनका मिनीचर टेक्निक पे कुछ इसमें बहुत अच्छा काम है, और ख़ासकर इनका जो काम की जो टेक्निक है वो एक ओरिएंटल जो ईरान में ख़ास टेक्निक यूज़ होती थी कलर्स की कंपोजिशन की, तो उस टेक्निक में कुछ मुझे इसमें इनका काम देखने को नज़र आया, और इन्होंने इनके काम में एक डिफरेंट वैरायटी हमें देखने को मिली है। कैमरामैन जाफर खान के साथ अफजाल अहमद, रोज़ न्यूज़, कराची।